हेलो दोस्तों, मैं रईस खान अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रईस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कॉर्ड ट्रांजिशन। कॉर्ड ट्रांजिशन क्या होता है और उनको कैसे बनाते हैं, और जब कोई गाना प्ले करते हम करेंगे तो किस तरीके से उनका किसी गाने में यूज होगा, वो सब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हमारी ऑनलाइन क्लासेज चालू हैं, कोई भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर दिया गया है तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर समझ में आए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कॉर्ड ट्रांजिशन क्या होता है और किस तरीके से हम उनको बनाएंगे। तो जैसे कि हम सी स्केल लेते हैं, फर्स्ट सी स्केल का कॉर्ड ट्रांजिशन करेंगे। तो देखिए सी ई जी तीन नोट हो गए, एक आप देख रहे होंगे। तो अभी हम इसको ट्रांजिशन करेंगे, यानी कि हमको स्केल के तीनों नोट चेंज नहीं करने हैं। हाथ वहीं रहेगा, उंगलियां हमारी फिंगर वहीं रहेंगी, सिर्फ एक नोट हमको शिफ्ट करना है जो स्केल का तीसरा नोट होता है, थर्ड नोट, यानी कि सी ई जी। हम जी नोट को, सिर्फ इस नोट को शिफ्ट करेंगे अगले नोट पर तो ऑटोमेटिकली हमारी स्केल चेंज हो जाएगी। इसलिए हमको दो नोट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से चेंज करना है और क्या उसका फॉर्मूला है। तो देखो सी मेजर, तो सी और जी हम ऐसे ही रहने देंगे। ये जो लास्ट नोट है जी, जी नोट को हम शिफ्ट करेंगे। और कहाँ करेंगे, मैंने अपने जो वीडियो थे पहले जो बनाए थे उनमें मैंने बताया था सेमी नोट एंड फुल नोट के बारे में, तो उनको हम यहाँ यूज करेंगे सेमी नोट एंड फुल नोट का। तो जब मेजर स्केल सी मेजर हमने स्केल ली है तो जो लास्ट नोट है थर्ड नोट उसको हम शिफ्ट करेंगे फुल नोट में, यानी कि जी का फुल नोट क्या होगा, ए। तो जैसे कि ये जी नोट है, सेम जी नोट है, तो जी को हम शिफ्ट करके ए नोट ले लेंगे। आपने देखा सी और ई दोनों वहीं पर है हमारी फिंगर, जी की जगह हमने ए ले लिया बस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्केल चेंज हो गई। तो देखिए ए सी ई, ए सी ई, ठीक है, ए ले लिया। तो अब यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं, ये नोट को यहाँ ले लेंगे ए सी ई, यानी कि ए माइनर स्केल बन गया। और एक बात और वो भी मैं बता देता हूँ, जब सी मेजर से हमने फुल नोट लिया तो माइनर स्केल बनी, यानी कि जब मेजर स्केल से हम फुल नोट चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो माइनर स्केल ही बनेगी कोई भी स्केल। और अभी मैं बता देता हूँ कि ये सी मेजर न लेके अब सी माइनर लेते हैं हम, सी डी शार्प एंड जी। तो इसी तरीके से हम जो थर्ड नोट है जी को अब हम फुल नोट नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम सेमी नोट, यानी कि जी का सेमी नोट है जी शार्प। देखिए ये हमने शिफ्ट कर लिया जी शार्प। तो आप बैक देख सकते हैं, यहाँ पर जी शार्प नोट है, बाकी के सेम नोट सी और डी शार्प हैं। तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, देखिए तो ये हमारी कौन सी स्केल बन गई, जी शार्प सी डी शार्प नोट, यानी कि जी शार्प मेजर स्केल। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, एक वेरी सिंपल। जब हमने मेजर स्केल ली थी तो हम थर्ड नोट को शिफ्ट करेंगे फुल नोट में तो माइनर स्केल बन जाएगी, और हमने माइनर स्केल ली सी माइनर स्केल ली तो हमने थर्ड नोट को शिफ्ट किया सेमी नोट में तो हमारी बन गई मेजर स्केल। इस तरीके से एक और मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए डी मेजर ले लीजिए डी, तो इसी तरह सी की तरह जो थर्ड नोट है ए, ए को हम ले लेंगे
बी, एक फुल नोट हमने शिफ्ट कर लिया, एक ही जगह बी ले लिया, तो यहाँ देखिए डी और एफ शार्प राज सेम। अब बी नोट ले लिया हमने, देखिए ये बन गई बी माइनर। अब डी मेजर की जगह डी माइनर लेते हैं, तो सी माइनर की तरह हमने ये ए नोट को हमने सेमी नोट में शिफ्ट कर दिया। ये देखिए मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, यानी कि डी एफ एन ए शार्प, ठीक है। तो अब देखिए ये नोट ए शार्प यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ, देखिए अभी कौन सी स्केल बन गई, ए शार्प या बी फ्लैट मेजर। यानी कि जब मेजर लेंगे तो थर्ड नोट, स्केल का थर्ड नोट वो फुल नोट शिफ्ट करना होगा, और जब माइनर लेंगे तो थर्ड नोट सेमी नोट शिफ्ट करना होगा। तो मेजर से माइनर बनती है और माइनर से मेजर बनती है। तो दोस्तों आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कॉर्ड ट्रांजिशन क्या होता है, कि हम कोई भी गाना प्ले करेंगे तो हमको स्केल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं के हम सिर्फ एक नोट के जरिए हम स्केल चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे और आप उसमें से देख के कुछ सीखते रहें। थैंक यू।